डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई हैड ऑलरेडी सेंट वर्ड एंड सिनोनिम्स लेसन टू द डॉग्स कर्ली टेल। टुडे वी शैल स्टडी चैप्टर। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए डॉग्स कर्ली टेल। यह संसार कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है। एंड पीपुल हैव बीन स्ट्राइविंग टू स्ट्रेंड इट आउट फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, बट वेन दे लेट इट गो इट हैज कर्ड अप अगैन। तो ये संसार जो है एक कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है, और लोग क्या करते हैं, प्रयासरत हैं, सतत प्रयासरत हैं, कब से, सैकड़ों वर्षों से, कि ये क्या हो जाए, ये सीधी हो जाए। लेकिन जब हम इसको सीधा करते हैं, लेट इट गो, तो ये पुनः जो है ये टेढ़ा हो जाता है, ये पुनः क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता था। हाउ कुड इट बी अदरवाइज, हम अन्यथा क्या कर सकते हैं, हाउ कुड इट बी अदरवाइज, हम अन्यथा क्या कर सकते हैं। वन मस्ट फर्स्ट नो हाउ टू वर्क विदाउट अटैचमेंट। किसी को पहले पता होना चाहिए कि लगाव के बिना कैसे काम किया जाए। पहले किसी को पता होना चाहिए कि बिना लगाव कैसे काम किया जाए। एंड देन वन विल नॉट बी ए फाइनेटिक, तब वो क्या नहीं होगा, तो फिर भी कोई कट्टर नहीं होगा, जिद्दी नहीं होगा। फाइनेटिक मीन्स कट्टर या जिद्दीपन। वेन वी नो दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक ए डॉग्स कर्ली टेल, जब हम जानते हैं कि यह संसार कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है। एंड विल नेवर गेट स्ट्रेंथ, तब हम कभी नहीं करेंगे उसको क्या नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, सीधा नहीं करेंगे। वी शैल नॉट बिकम फाइनेटिक, और हम लोग फाइनेटिक नहीं होंगे, उस पर कट्टरता नहीं दिखाएंगे, उस पर कट्टरता नहीं दिखाएंगे। इफ देयर वेयर नो फाइनेटिक्स में इन द वर्ल्ड, यदि संसार में ये कट्टरपन नहीं होता, अगर संसार में कोई कट्टरता नहीं होती, तो अभी भी क्या होता, इट वुड मेक मच मोर, तो ये बहुत ही अच्छा होता, यानी ये क्या करता, तो अभी की आज की तुलना में बहुत अधिक क्या करता, प्रोग्रेस देन इट डज नाउ। इट वुड मेक मच मोर प्रोग्रेस देन इट डज नाउ, आप आज की तुलना में या अभी की तुलना में ये क्या होता, बहुत ही अच्छी प्रगति करता, प्रोग्रेस करता। There was a poor man who wanted some money. एक गरीब आदमी था जो कि वह क्या चाहता था, कुछ मनी चाहता था, कुछ पैसा चाहता था। He had heard that if he could get hold of ghost, उसने सुन रखा था, वह सुन रखा था यदि वो क्या प्राप्त कर ले, एक भूत को पकड़ ले, यदि वह भूत को पकड़ ले तो क्या होगा, और ही माइट कमांड हिम टू ब्रिंग हिम मनी, वह उसको कमांड दे, आदेश दे दे सकता है, किस लिए, ब्रिंग मनी या एनीथिंग आर एनीथिंग एलस ही लाइट, या अन्य चीज़ों को जिसके लिए वो क्या करता है, लाइक करता है, जिसको वो चाहता है, यानी पैसा या अन्य चीज़ जिसको वो चाहता है, और कमांड करने पर क्या होगा, उसे प्राप्त हो जाएगा। सो ही वॉज वेरी इन एक्सेस टू गेट होल्ड ऑफ वन, इसलिए वो बहुत चिंतित था, किस लिए चिंतित था या उत्सुक था, इगर था उसको भूत को पकड़ने के लिए, भूत को प्राप्त करने के लिए वो बहुत क्या था, चिंतित था। ही वेंट अबाउट सर्चिंग फॉर सम वन हु कुड गिव हिम ए घोस्ट, वह जो है तलाश निकल गया कि किसी न किसी भूत को क्या करे, वो पकड़ ले,
फॉर समवन हु कुड गिव हिम ए घोस्ट। एवरीवन, तो ही आस्क्ड एवरीवन, उसने प्रत्येक लोगों से पूछा। ही मेट विदर दे न्यू एनी सेड विथ ग्रेट पावर, उसने प्रत्येक लोगों से पूछा जिससे जिससे मिला कि क्या वह किसी ऐसे साधु को जानता है जो कि ग्रेट पावर के साथ हो, जो कि शक्तिशाली हो। वन डे ही मेट ए ग्रुप ऑफ वुडकटर्स, एक दिन वह लकड़हारों के एक समूह के साथ मिला एंड आस्क, उससे पूछा ब्रदर्स यू गो इनटू द वुड, तुम लोग लकड़ी लाने जाते हो क्या? लकड़ी लाने तुम लोग जाते हो भाइयों, तुम लोग लकड़ी लाने जाते हो प्रत्येक दिन? हैव यू एवर सीन एनी सेज देयर, क्या तुम लोगों ने किसी साधु को वहाँ देखा है? टू ग्रेट हिज जॉय है टू हिज ग्रेट जॉय वन ऑफ द वुडकटर्स रिप्लाई, जो लकड़हारे थे, कई लकड़हारे थे उनके समूह में से, उसके अत्यधिक प्रसन्नता को जानकर एक ने उत्तर दिया सर, यस सर, वी नो ए हर्मिट, हम लोग एक साधु को जानते हैं, वो लिव्स इन द दिस वुड्स, इसी जंगल में वो रहता है, हम लोग एक साधु को जानते हैं जो कि इसी जंगल में रहता है। एंड दे गेव हिम द डायरेक्शन, और वे लोग उसको क्या दिए? दिशा दिए, एक डायरेक्शन दिए। द मैन कुड नॉट स्टॉप, वो मनुष्य रुका नहीं, स्टॉप टू थैंक देम, उन्हें धन्यवाद देने के लिए वो रुका नहीं, बल्कि क्या किया? रश्ड टू द स्पॉट, जिस स्पॉट पर बताए थे, जिस जगह पर, वहाँ वह बहुत तेज़ी से चला गया, बहुत तेज़ी से वह चला गया। इट वॉज डार्क, वहाँ क्या था? अंधेरा था। वेन ही रिच्ड द हर्मिटेज, जब वो उसके आश्रम पर पहुँचा वहाँ अंधेरा था। एन ओल्ड मॉन्क विथ मैटेड हेयर एंड लॉन्ग बियर्ड वाज मेडिटिंग बिफोर ए फायर, वहाँ पर उसने क्या देखा? एक बुढ़ा भिक्षुक साधु जो कि जटाधारी बालों के साथ, टेढ़े मेढ़े बालों के साथ, चटाईदार बालों के साथ और लंबी दाढ़ी के साथ जो है वह एक आँख के सामने ध्यान मग्न है, मेडिटेटिंग कर रहा था, मेडिटेटिंग ध्यान मग्न था। थैंक यू।